हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है और आप पुराने यूनिट के पास गए या जो भी नए यूनिट के पास गया उस पर टैग नहीं लगा हुआ है, किसी तरह से हट गया है, आपको मालूम नहीं कि उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि उसमें R22 है या R134A है या 407C है या जो भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट मार्केट में है, तो कौन सा रेफ्रिजरेंट उसमें डाला हुआ है, तो वो फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि जब तक आप वो फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप कोई भी मशीन को प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या उसका आप चिलर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, या जो भी सिस्टम है उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। और हमारा कोई भी रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर, आइडियल प्रेशर कितना होता है, कितना टेम्परेचर पर कितना शो होता है, वो आपको हम बताएंगे। तो स्टैंडिंग प्रेशर या आइडियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या है, प्रेशर टेम्परेचर चार्ट की जरूरत पड़ती है। ये आप गूगल से इजी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में सर्च मारेंगे, किसी भी रेफ्रिजरेंट को आप सर्च मारें R22 प्रेशर टेम्परेचर चार्ट, वो आपके गूगल में पूरा लिस्ट आ जाएगा। या आप उसको डाउनलोड कर लें या बाहर प्रिंट आउट निकाल के रख लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत सारा रेफ्रिजरेंट मार्केट में, तो कितना सारा रेफ्रिजरेंट का आप आइडियल प्रेशर याद रखेंगे या सक्शन प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर याद रखेंगे, तो इसके जरिए आप इजी फाउंड आउट कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर कैसे निकाला जाता है किसी भी रेफ्रिजरेंट का, कितना होना चाहिए, वो हम आपको बताया था। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप वीडियो को आप जरूर देखें। तो इस तरह से देखिए, हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से हम आइडियल प्रेशर निकालते हैं। अगर हम किसी सिस्टम के पास गए, यूनिट के पास, अगर हमको नहीं मालूम है कि उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है, तो हम सबसे पहले वहां का एम्बिएंट टेम्परेचर लेंगे, जो बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर अलग अलग डिफरेंस का वैल्यू मिल सकता है, कहीं पे 25 है, 26 है, 30 है, 35 है, 40 है, तो वो विंटर समर के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो मान लीजिए हमने चेक किया तो हमको एक वैल्यू मिला, ये 29.4 डिग्री सेल्सियस, जो फारेनहाइट में 85 डिग्री फारेनहाइट है। उसी तरह से फिर अगर दूसरा बार आप कभी चेक किए तो आपको 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड में मिला, इस तरह से वैल्यू मिला। चाहे जितना भी वैल्यू मिले आप उसको फाइंड आउट इजी कर सकते हैं, वो हम आपको तरीका बताने वाले हैं। तो हमने कुछ रेफ्रिजरेंट का नंबर लिख लिया है, एग्जांपल के लिए R22 और ये अपना 410 है, 407 है, इस तरह से 404A है। तो हम आइए आपको दिखाते हैं प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के जरिए किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि रिकवरी जब गैस होता है तो वहां पे जो सिलेंडर अवेलेबल है उस सिलेंडर में गैस को डाल देते हैं। मान लिया R22 का सिलेंडर है तो उसमें 410 गैस डाल दिए हैं। अब दूसरा टेक्नीशियन गया तो कन्फ्यूजन है कि उसमें तो R22 का लेवल लगा हुआ है, तो हमको सबसे पहले क्या है, उसका प्रेशर को चेक कर लेना है। तो जब भी आप प्रेशर चेक करेंगे तो जितना टेम्परेचर पे जितना प्रेशर शो होना चाहिए उतना ही प्रेशर शो होगा। जैसे मान लीजिए 29 पे अगर आप 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप R22 का प्रेशर चेक करेंगे तो 155.7 दिखाएगा। ठीक है, 155.7 PSIG दिखाएगा। इसमें खूब हो सकता है तो 1-2% जो 1-2 PSIG ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10-15-20 का डिफरेंस नहीं होगा। हर रेफ्रिजरेंट का जो है प्रेशर अलग होता है। ठीक है ना, देखिए R410 का 254 है, 407 का 177 है, R134A का 95 है, तो सबका वैल्यू डिफरेंस है। तो आपको क्या है कि इस कर सकते हैं, और एक चीज और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि आपको अगर सिस्टम में नॉन कंडेंसेबल गैस है या आप वैक्यूम किए, अच्छा से वैक्यूम नहीं किए, बाद में आपको मालूम है कि इसमें R22 रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो प्रेशर आपको इतना पर 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपको ज्यादा दिखा रहा है, 155 है, आपको मान लीजिए 170 दिखा रहा है। अब आपको मालूम है कि उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है R22 डाला हुआ है, इसका मतलब कि इसमें कुछ एयर है, मॉइस्चर है, जो हमारा इस PSIG से ऊपर दिखा रहा है। तो आपको फिर से सिस्टम को गैस को रिकवरी करके वैक्यूम करना होगा। तो इस तरह से आप वो प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन कंडेंसेबल गैस रहेगा तो प्रेशर हाई जाएगा, सिस्टम ट्रिप करेगा, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम आपको प्रेशर टेम्परेचर चार्ट दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, तो अगर हमको आइडियल प्रेशर निकालना है, स्टैंडिंग प्रेशर निकालना है, तो जैसे हमने एक उदाहरण के लिए कितना लिया हुआ है, 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे हम जब देखेंगे, हमको आइडियल प्रेशर
स्टैंडिंग प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए। तो एम्बिएंट टेम्परेचर निकालने के लिए हमारे पास जो भी नॉर्मल थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो साइक्रोमीटर रहता है, उसके जरिए आप एम्बिएंट टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर मान लिया 29.4 है अगर हमारा, तो R22 गैस का रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर दिखाएगा हमारा वो कितना दिखाएगा गैस में, 155.7 दिखाएगा, ठीक है ना, 155.7। उसी तरह से अगर हमारा 410A है, उसी तरह से अगर हमारा सिस्टम में 410 का अगर आइडियल प्रेशर देखा जाए तो वो कितना दिखाएगा, 254.6 दिखाएगा। ये हमारा 29.4 टेम्परेचर पे, ठीक है। उसी तरह से 407C का देखेंगे तो 177.0 दिखाएगा। अगर 134A का अगर इतना पर टेम्परेचर पर देखेंगे 29.4 पे तो 95.2 दिखाएगा। उसी तरह से अगर 404A का अगर हम चेक करते हैं तो 189.6 हमको दिखाएगा 404A का, ये 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। फारेनहाइट में इसको देखिए 85 दिया हुआ है, 85 डिग्री फारेनहाइट। अगर उसी तरह से अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 32.2 है, ठीक है, या 35 है, तो उसको आप उसके हिसाब से बगल में जो प्रेशर रहेगा आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो दूसरा हमने एक उदाहरण लिया है कितना, 32.2 का, तो इसका कितना दिखा रहा है 22 का, इस पे आइडियल प्रेशर कितना दिखा रहा है, 168.4, 274.3, 191.3, ये हमारा 407 का हो गया। फिर आपका 104.3 हो गया 134A का। उसी तरह से हमारा R404A का 204.5 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी रेफ्रिजरेंट का बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर जितना भी है उसके हिसाब से आप आइडियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आइडियल प्रेशर एक कांस्टेंट नहीं रहता है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से अप डाउन वो होते रहता है, जैसा कि आपने देखा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम में भी अगर कोई गैस डाला हुआ है, आप सिस्टम के पास गए, वहां जाने के बाद आप को मालूम चल रहा है कि इसमें हमको कोई टैग नहीं है या कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इसके सिस्टम के अंदर डाला हुआ है, तो आप वहां पे उसका गेज लगा करके प्रेशर चेक करें। तो प्रेशर चेक करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि प्रेशर चेक करें और उसके बाद आप वहां पे एम्बिएंट का टेम्परेचर लें, तो टेम्परेचर के हिसाब से जो प्रेशर शो करेगा, हर रेफ्रिजरेंट का अपना प्रेशर और अपना प्रेशर होता है, टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर शो करता है हर रेफ्रिजरेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबका डिफरेंस वैल्यू है। तो जब आप वहां पे रेफ्रिजरेंट जब गेज लगाएंगे तो उस हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है, क्योंकि उसका प्रेशर अलग दिखाएगा, ठीक है। अगर 22 डाला रहेगा तो अगर 35 पर आप चेक कर रहे हैं तो 181.9 दिखाएगा, तो मतलब इसमें खूब से खूब अगर ऊपर नीचे आएगा तो 180 आएगा, नहीं तो 182, 183, मतलब 4-5 के डिफरेंस के बीच में इसमें रहेगा PSIG में। लेकिन ज्यादा डिफरेंस अगर दिखा रहा है, 15-20 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो समझिए कि दूसरा यूनिट है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसका अपना जो भी है सबका स्टैंडिंग प्रेशर, आइडियल प्रेशर किस तरह से निकाला जाता है। तो आपने अभी प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से आप निकाल सकते हैं, इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम के पास आप जाएं तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेंट है, कोई भी अनदर सिलेंडर में अगर वो डाला हुआ है तो आप उसको प्रेशर देख करके उसका टेम्परेचर के हिसाब से आप उसका प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना प्रेशर उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ हमने एग्जांपल के लिए सर लिया हुआ था, ये प्रेशर यहाँ पर 155.7, ये आपका जो है 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड में 85 डिग्री फारेनहाइट के रेशियो में ये इतना वैल्यू बताएगा। और ये हमारा एक रेफ्रिजरेंट का एक्यूरेट वैल्यू होता है। इसमें अभी क्या है, टेम्परेचर अप डाउन के हिसाब से बाहर के एम्बिएंट घटते बढ़ता रहता है, तो एक दो PSIG, दो तीन PSIG ऊपर नीचे होगा, लेकिन 15-20-10 का डिफरेंस नहीं होगा, आपको इसी बीच में ऊपर नीचे थोड़ा वैल्यू मिलेगा। तो आप इस हिसाब से इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में रेफ्रिजरेंट के लेकर के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।